हम ही तुम्हारे को वोट डालते हैं, तुम्हें हमारे को मदद करना और वोट जीते के बाद में मुंह नहीं फेरना। हम ही तुम्हारे तक आते हैं, आए तो भी नहीं, हमारे को केयर करना। आई ये औरत, इनको क्या गरीबी है कि मजबूरी है कि आई, ये बोल को नहीं, उसको इज्जत देखो, बता को उसकी गरीबी दूर हटाना तुम्हारा काम, तो हमें आपको चिता को लाती। अफिलो खतब नासिर हुसैन साहब भाई साहब आ गए हैं, बोल रहे हैं ऐसा ऐसा अपन करेंगे इंशाल्लाह, हमको हम उनके लिए साथ देने के लिए तैयार है, हम बराबर वोट डालेंगे भारे को, बस उन्होंने भी अपने आगे चल के अपने लिए भी कुछ मदद करना। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय रायदान मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स, अरेबियन, टर्किश, मिडिल ईस्ट, ग्रैंड इंटीरियर, जेन्युइन स्पाइसेस, हाइजीनिक किचन, एड्रेस टीपू सुल्तान चौक, रिंग रोड, गुलबर्ग। रहमतुल्लाहि बरकातुहु, आप लोग को यहाँ पे नासिर हुसैन उस्ताद के मोहब्बत में आपको यहाँ पर बुलाया है, नासिर हुसैन उस्ताद के ताल्लुक से बात करने यहाँ पर बुलाया है आप लोग, हम लोग, आप लोग भी नासिर हुसैन उस्ताद को ही वोट डालने के लिए, उनको जिताने के, आपको मालूम है शायद उसी लिए यहाँ पर आप लोग जमा हुए हैं सब लोग। तो 5 साल में क्या हुआ, आप लोग देख रहे हैं ना, आपके एरिया में क्या हुआ, डेवलपमेंट क्या हुआ, और हिजाब के ऊपर आया, गोश्त की दुकानें बंद हुई, आपके आदमियों को मालूम है बाहर रोड पे क्या हुआ रिसेंट, ये सब सारे चीज़ों को देखते हुए इस बार नासिर हुसैन उस्ताद को जिताना है आप लोग। अलन में जो इशू आप लोगों को मालूम है ना सबको, थोड़े तो लोगों को मालूम होगा इसमें, तो गुलबर्गा अलन से कितनी दूर है, यहाँ पर भी होने देर नहीं लगती, इसीलिए आप लोगों को नासिर हुसैन उस्ताद को जिताना है वहाँ पर। और नासिर हुसैन उस्ताद को इसलिए जिताना है कि हमारी सबकी आवाज़, ये नाल, ये नल, नालियाँ, रोड, ये तो कॉरपोरेटरों का काम है, कॉरपोरेटर रहेंदे न को रहेंदे, कॉरपोरेशन से ये काम होते रहते, हमारे हिजाब के ऊपर मसले पर है, हमारे खाने पीने पर आ गए, हमारे मस्जिदों की आवाज़ को वैल्यूम करने कम करने पर है, मदरसों को बंद करने की बात कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद, ये मतलब ये 200 में और 2000 में ये 10 किलो चावल ऐसा करके अपना वोट मत बेचो आप लोग, ये अब इलेक्शन भी ख़त्म नहीं होता, वो 2000 रुपये आप लोग घर तक भी नहीं पहुंचते, यूज़ करें तो वापस ख़त्म हो जाते, ये 5 साल कौन भुगतना पड़ता, आप लोग आज करना पड़ता, बता रहे ना हिजाब, अब देखो इलेक्शन के दिन दुपट्टा नहीं ओढ़ के फेसबुक नोज पीस नहीं लगाना कहते, जाके वोट डालना कहते, हम लोग घर के बाहर नहीं जा सकते बगैर दुपट्टे के, जा सकते क्या, 2000 बेचे तो हमारा 2000 रुपये में बुरखा निकालो बोल तो निकालते आप लोग, नहीं निकालते ना, हमारा राइट्स है, हमारा इस्लामिक है बुरखा पहन के हम लोग बाहर जाना बोल के, तो नासिर हुसैन उस्ताद को ये बार जिताना बहुत ज़रूरी है आप लोग, आपके फ्यूचर के वास्ते, आपके बच्चों के वास्ते, और उन्होंने कर जीतने के, हम लोगों के पास भी बहुत सारे स्कीम्स है, 5000 रुपये लोगों को देने की जिम्मेदारी लिए है, हर औरत को 5000 जो एल्डेज लेडी रहती, और संघ का कर्जा माफ़ करने की बात कर रहे, और एजुकेशन फ्री है नासिर हुसैन उस्ताद जीतने के बाद, LKG से 12th तक जो ऑटो ड्राइवर है जिसका लाइसेंस रहता है उसको मंथली 2000 रुपये, और ट्रीटमेंट भी फ्री है हॉस्पिटल को गए तो, और बहुत सारे स्कीम्स हैं जो आप लोगों तक नहीं पहुंचे, जो कांग्रेस की हुकूमत में थे बहुत सारे, खमर साहब रहे जब आते थे ना स्कीम्स, KMDC के थे, शादी भाग्य स्कीम से बहुत सारे स्कीम्स हैं, और टेलरिंग मशीन की सेंटर थे, रिसेंटली कुछ बात है इन्हों फैशन डिज़ाइनर है, इनके लिए बात करी मैं मैडम को कॉल करके, 1-4 मशीन इनको दिला दो, इनके एरिया में टेलरिंग सेंटर ओपन करेंगे बोल के, तो मैडम क्या बोलते, गवर्नमेंट से मालूम करके बोलते कहते, उनको बड़ी बात नहीं है 1-2 मशीन ओपन करके एक रूम लेके दिलाने, उनके वास्ते बड़ी बात नहीं है, उनको उन्हें गवर्नमेंट से मालूम करके बोलते कहते, तो ऐसे MLA हमारे को गूंगे भरे MLA नहीं होना है, और असेंबली में जाके कन्नड़ बात में, इंग्लिश बात में, उर्दू में, तीनों लैंग्वेज आने वाले MLA हमारे को होना है, वो खूबी हमारे नासिर हुसैन उस्ताद के अंदर है, और 5 साल में इन्होंने MLA नहीं थे फिर भी हम लोगों के वास्ते लड़े सो है, आप लोग फेसबुक जितने लोग चलाते इसमें उन लोगों को मालूम ही छूँगा, 5 साल में MLA नहीं रहकर भी वो लोग हमारे काम कर रहे, तो MLA बनने के बाद आप लोगों का काम नहीं करते, आप लोग इस बार सोच समझ कर 2000 रुपये दे रहे, 10 किलो चावल दे रहे, ऑलरेडी आप लोगों को चावल राशन का मिल रहा मिलता नहीं BPL कार्ड पे, फिर वही चावल लेके वोट डालते फिर आप लोग, दियो बोलो बासमती चावल दियो बोलो इलेक्शन के दिन 10 किलो सबको देते क्या, देखो ऐसा भी हो सकता क्या, गरीब आदमी से बात भी नहीं करते वैसे लोग, मालूम है गरीब आदमी घर को गए तो नहीं है बाहर बोलते, तो आपको मालूम हो रहा ना 5 साल में एक्सपीरियंस हो रहा आपका, नहीं होना हमारे को जब जो आप ठहरे हैं ये सर, तो हमारा भी जरा ख्याल करना, इन्होंने लोकल के हैं, इनकी फैमिली यहाँ पे रहते, इनका घर MS की मिल के पास है, मैडम के वैसा लॉक डाल के बैंगलोर को जाने वाले नहीं है, अब आप लोग आज बोल रहे हैं मैडम के घर को गए तो अंदर नहीं आने देते, मैडम के घर को आए तो आदिल सुलेमान गुस्सा करके बाहर भेजते,
तो आप लोग उनको जिता के लैस है ना, तो आप लोग चेंज करना ये बार अब चेंज करना अब जरूरी है। आप लोग खमर साहब को चाहते थे, हम भी खमर साहब को चाहते थे, आपको भी आप भी कांग्रेस को वोट डाले, हम भी कांग्रेस को छोड़ डाले, उसमें हम भी है उनको जो वोट देकर जीता है यहाँ पर। तो हमारे को समझ हम उनके पास कब चेंज हुए। अलन का जो मसला हुआ, अलन में जब लेडीज को भी इत्तेहाद पूरा गवाह है, खमर साहब का जमाना जब था लेडीज आज तक जेल को नहीं गई थी, 10 लेडीज जेल को चले गए और अलन के पूरे आदमियों को अरेस्ट करे मैडम का, उसके ऊपर एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। नासिर हुसैन उस्ताद की मजहर एडवोकेट उनके पूरे पूरी टीम मिलकर वो लोगों को छुड़ाए सो है, 10 लेडीज को भी, और लेडीज को बगैर दुपट्टे के जैसा समझ में आया वैसा खींच के लेके जाके जेल में डाले। और मैडम एमएलए है, उनकी रिस्पॉन्सिबल रहती वो सब करना, उन्होंने जाके बेंगलुरु में बैठ गए। ऐसे एमएलए होना क्या आपको? अब मैडम बेंगलुरु को गए तो आप पूरे लोग जा सकते हैं बेंगलुरु को, हम जा सकते हैं, इन्हों जा सकते हैं, इन्हों जा सकते, चल लोग हैं जा सकते हैं बेंगलुरु को, मैडम बेंगलुरु में है तो आपके मसले सुनाने सब लोग जा सकते हैं। उन्होंने जीते तो भी बेंगलुरु जाने वाले हैं, हारे तो भी बेंगलुरु जाने वाले छे। तो आप लोगों को आपके बीच में जो रहते हैं, आपके मसले मसाइल को जो देख रहे हैं, आपके अच्छे बुरे में कौन है, आपके आदमियों के लिए बिजनेस के लिए गोश्त की दुकान के बहुत सारे लोग हैं, इसमें गोश्त की दुकान है, ऑटो चलाते हैं, तरकारियों की गाड़ियाँ हैं, बहुत लोग हैं, वो सब के लिए एक शख्स होना बहुत ज़रूरी है। खमर साहब को आप लोग चाहते थे, दूसरा खमर साहब लाना भी आपके साथ में है। अब ये बार ज़रा सोच समझ कर, अपने खुद की लड़ाई है, खुद के घर की लड़ाई है समझ कर, 3 नंबर पे 10 तारीख के दिन मई 10 को है, सुबह में 7 बजे से रात में 5:30-6 बजे तक रहता, 3 नंबर पे भारे का निशान देकर रोड दबाओ। आप लोग अंदर जाते ही थोड़े लोग परेशान हो जाते, जो बटन दिखा उसको दबाते आते, 5 मिनट टाइम लगा तो लगा, पहले देखो नासिर हुसैन उस्ताद को, अगर आप लोगों को जिताना है तो 5 मिनट 2 मिनट टाइम लेना, लेकर 3 नंबर पर उनका निशान, उनकी फ़ोटो जो भी है, नंबर भी समझ में नहीं आ रहा तो सिंबल रहता निशान जो रहता, ये निशान देके इसके ऊपर वोट डाल के आप लोगों को जिताना है। और जीतने के बाद भी जो जो फैसिलिटीज़ है, ये पोस्टर हम देख के जाते हैं, आप लोग देखो उसके अंदर। चांदबीर कॉलेज के पास आप लोगों जो मीटिंग कर रहे हैं, मेरे को जितना समझ में आता हूँ उतना बोल रहा हूँ आप लोगों को, आप एक बार चांस दो नासिर सर को, क्योंकि इतने बार आप हमारे साहब को लाए थे, मैडम को भी लाए थे, अब मैडम क्या करें 5 साल में आपको मालूम है। आप एक पूरे मुसलमान एक होकर वोट दिए तो नासिर सर जीत सकते हैं। और हिजाब का है, गोश का है, और गरीब का जो भी मसला है, और कौन करे, एमएलए हो को मैडम ने करे, नासिर सर करे, तो आप लोगों को हम बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब जितने बैठे मजदूर के वाइफ बहना माँ हैं, ना के बड़े बड़े लोग हैं आप लोग, तो आपकी आवाज़ कौन सुनना? नासिर भाई सुनते ना, विनय एमएलए रहते पर भी सुन रहे हो ना, मैडम क्या करे, घर पर गए तो मिलते नहीं। अब तुम्हारे बच्चों के जो भी मसले रहते हैं उन्हें सुनते हैं, तो इन्हें बिना एमएलए के पोस्ट लेते पर भी आप लोगों की आवाज़ सुन रहे हो, अजां की आवाज़ बंद करो। बोले हम मुसलमान कब बोलते हैं? अजां की आवाज़ सुनकर नमाज पढ़ते हम, हमारे घर के आदमियाँ नमाज को जाते हैं, अजां नहीं हुई तो हमारे को कब क्या टाइम हो रहा मालूम पड़ता क्या? अब हम लोग क्या करते, गोश की एक आदत है मुसलमानों को, अब उन्हें गोश बंद करे, इफ्तारी के टाइम पर पूरे भंडा बंद करे। अब ये सब चीज़ कौन चालू करे आपको मालूम है? मैडम आए क्या पूछे क्या किसको भी क्या तकलीफ हो रही? हमारे को सुबह से शाम तक आपके घर के आदमी बाहर गए तो 100-200 रुपये लाती, अब वही चीज़ तुम्हारी बंद करे तो क्या करते तुम्हारे उन घर चलाते? अब तुम वोट किसको देना तुम लोग तय कर लेना, वोट बटने नहीं देना। 10 तारीख मई की 10 तारीख को सुबह के 7 बजे से 6 बजे तक वक्त रहता, 3 नंबर पे इनका भारे का निशान है, नासिर भाई की फ़ोटो आती, वो नंबर पे आप बटन दबाना, और थोड़ा लेट दबाना, जल्दी दबा के नहीं निकालना। मैं आप लोगों से फिर से और एक बार हाथ जोड़ के आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि नासिर सर को भारी से भारी वोट देकर जिताना हमारे मुसलमानों भाना का माँ का काम है। आप लोग क्या करती है? आप लोगों की दिल की बात आई है, कहाँ तो पैसे दे रहे हैं ना, पैसे ले कर इनको वोट दे रहे उनको वोट दे रहे, आप लोग तय करो नासिर सर को लाना है जिताना है इस बार। मैं इतनी बात करती हूँ। नासिर भाई फीसा कम करना, गोर गरीब को मदद करना, गोर गरीब को हमें तुम्हारा को जिता को ला रही, तुम हमारे को भी करना, तुम्हारा फर्ज है। और देखो औरतों के शौहरान छोड़े सो है, तलाका हुए सो है, उन लोगों को क्या करना, औरतों को एक कंपनी खोलना, महीने को 10,000 रुपये तनख्वाह पड़ना देखो, और गोर गरीब को तुम्हें घरे घर फिर कर किसको घर नहीं है उनको फलाटा देना तुम्हारा काम है। और क्या नहीं, स्कूल के फीसा माफ़ करो, हमें तो घरां के कामा कर को खाने वाले हैं, हमारे क्या जायदाद नहीं क्या, अपने किराया भरना, लाइट बिल भरना, सो लाइट बिल का भी माफ़ करिए,
के लिए हमें तुम्हारे को वोट डालते हैं, तुम्हें हमारे को मदद करना और वोटे वोट जीते के बाद ने मुंह नहीं फेरना। हमें तुम्हारे तक आती आए तो भी नहीं हमारे को केयर करना। आई ये औरत इनको क्या गरीबी है कि मजबूरी है कि आई ये बोल को नहीं, उसको इज्जत देखो बता को उसकी गरीबी दूर हटाना तुम्हारा काम, हमें आपको जीता को लाती। अस्सलाम वालेकुम। देखिए आप लोग आए हमारे पास क्या भारे को वोट डालना, ऐसा बहुत लोग भी आ चुके हैं हमारे पास, हम बहुत जनों को भी वोट डाले, कांग्रेस वाले भी आए और कहे कि हमको वोट डालो, हम फलान ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्या करें क्या नहीं हो अभी तक तो कुछ पता नहीं, इलेक्शन के पहले आते बहुत कुछ बोलते चले जाते मगर कुछ करे तो नहीं। अब फिलहाल अब नासिर हुसैन साहब भाई साहब आ गए हैं, बोल रहे हैं ऐसा ऐसा अपन करेंगे इंशाल्लाह, हमको हम उनके लिए साथ देने के लिए तैयार है, हम बराबर वोट डालेंगे भारे को, बस उन्हों भी अपने आगे चल के अपने लिए भी कुछ मदद करना गरीब की, जैसे बेवा है यतीम है बेसहारा है गरीब है मजबूर इंसान है उसके लिए कुछ ना कुछ काम धंधे का भी इंतजाम करना। ये घरों के काम है करने के लिए जाते हैं, 1500 देंगे क्या गोर गरीब खाएंगा क्या, बस अब अपन नासिर हुसैन भाई साहब को कोर्ट डाल रहे हैं, उन्होंने भी अपना आगे के लिए अपना भी अच्छा सोचना इंशाल्लाह, और हमेशा के लिए भी हम उनका साथ देने के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से मीटिंग से बात कर रहे हैं मरियाना बेगम के और नासिर हुसैन साहब के लिए अब वोट के लिए आई, नासिर हुसैन साहब को वोट डालो बोल के आई और हम डालते हैं, जो भी है गौर गरीब सबके लिए मदद करना आगे कुछ भी, हम आपको सपोर्ट करने तैयार है, आगे हमारे जो भी काम होंगे आप करना, हमारे को सपोर्ट करना।